जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए सारे प्रबंध किया है, एक जयवंत जीवन के लिए है, एक फलवंत जीवन के लिए है, बहुत तायत का जीवन के लिए सारे प्रबंध प्रभु ने कर दिया है, लेकिन हम उसको पूरा पूरा अपनाने के लिए है। वचन हमें उपदेश देता, निर्देशन देता है। As God has provided for everything, His provisions are in place and His providence is always available for us to lead a triumphant life, a fruitful life, life abundant. The word also gives us instructions and guidances so as to maximize on God's provisions. हम यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक में नजर डालते हैं, उसका 40वां अध्याय का 31वां वचन जो बहुत परिचित वचन है, और एक बार हम सिर्फ पढ़ता, जो यहोवा की बाट जोते रहे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, दे हु वेट फॉर द लॉर्ड शाल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। आमेन। वी रेस्ट इन हिम। आमेन। एंड वी कंटिन्यू टू सीक हिज फेस and we are being strengthened. We heard about it, we read about it, and we have talked about it. kai baar humne ye baat padha hai, suna hai, aur sunaya bhi hai, lekin parmeshwar ka agrah hai ki din va din hum bal ke upar bal prapt kare. the day by day we get renewed in strength, our strength gets renewed, and shall mount up with eagles wings, as if on eagle's wings. नया बल प्राप्त करेंगे, काबों के समान उठेंगे। आमेन। फ्रॉम टुडेज लेवल टू ए हायर ग्राउंड, आज जो स्तर पे मैं खड़ा हूं उससे अधिक ऊंचाई की ओर। आमेन। विद आवर विजन रिन्यूड, आमेन, हमारा दर्शन अधिक ऊंचाई का हो जाए, हमारा लक्ष्य भी, हालेलुया, लक्ष्य की ओर और नजदीक हम चले जाए, दैट वी मे अप्रोच द गोल। आमेन। कीप ऑन अप्रोचिंग द गोल डे बाय डे। शाल माउंट अप विद ईगल्स, लाइक विद ईगल्स विंग्स, उकाब के पंखों के तरह, जैसे उकाब पंखों के साथ उड़ते हैं वैसे हम उड़ते जाएंगे, about the issues, about the problems, despite all those troubles around. सारे चीज हमारे चारों ओर है, उनके बावजूद हम उठेंगे। Amen. They shall run and not be weary. We shall run. We shall not stop. हम लोग रुकेंगे नहीं, हम गिर न पड़ेंगे, हम दौड़ेंगे, हम चलते रहेंगे उसके मार्ग से होकर। दे शाल वॉक एंड शाल नॉट फेंट, दे शाल रन एंड नॉट बी वियरी। द लॉर्ड एक्सपेक्ट्स अस टू वॉक इन हिज वेज एंड टू रन टुवर्ड्स द गोल। प्रभु का ये चाहते हम उसके राहों में चलते रहे और वो लक्ष्य की ओर दौड़ते जाए। हालेलुया। दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ईच वन ऑफ अस। हमें ये मुझको उत्तेजित करता, दिस इज इंस्पायरिंग मी टू डू एज द क्लाउड ऑफ विटनेसेस हैव ऑलरेडी डन। जो गवाहों का बड़े बादल है, वो लोगों ने जैसा किया है वैसे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमें आज आह्वान दे रहा है। उसका अगले अध्याय का 15 and 16 पढ़ते हैं। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को डाव डाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। बिहोल्ड, आई मेक ऑफ यू अ थ्रेशिंग स्लज, न्यू शार्प एंड हैविंग टीथ। यू शैल थ्रश द माउंटेन्स एंड क्रश देम, एंड यू शैल मेक द हिल्स लाइक शाफ। आमेन। We are not useless people. We are not to idle away our time. We are not to weep over the spilt milk. We are not to heal our to cool our heels. हम अभी ऐसे विश्राम में बैठे हैं आलसी बनकर बने रहने के लिए नहीं है, हमारे दुखों के ऊपर विचार करके समय बिताने के लिए नहीं है।
स्वयं कुड़कुड़ा के श्राप देने के लिए नहीं है. दिस इज द टाइम फॉर बैटल सेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रभु कहते हैं लड़ाई का दिन है. आमेन. प्रभु ने मुझे ऐसा षड्यंत्र बनाया है, ऐसे ऐसे महान यंत्र बनाया है. हालेलुया, इतने ऐसे चौका यंत्र ठहराया है वो. ए न्यू वेपन, हालेलुया, ए पॉलिश्ड एरो, शार्प थ्रेशिंग स्लेज विथ सच शार्प टीथ, ऐसे ऐसे यंत्र बनाया है. चूरी वाले दावने का एक नया और छोका यंत्र टेराया, पहाड़ों को डावने लेके लिए. हालेलुया, यू विल थ्रश द माउंटेन्स एंड क्रश देम एंड यू शैल मेक द हिल्स लाइक शाफ्ट. हालेलुया, ऐसे यंत्र है वो, पहाड़ों को गिराने वाला यंत्र है. इन द हैंड्स ऑफ गॉड, दो वी मे लुक वीक एंड फ्रेल, हम कमजोर और बलहीन दिखाई देता, लेकिन प्रभु कहते तू काफी है. हालेलुया, जब मैं तुझको मेरा हाथ में ले लूंगा तो ऐसा यंत्र बनेगा. यू विल बिकम सच ए स्लेज हैमर और ए थ्रेशिंग स्लेज. हालेलुया, माइटी 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 वेसल, माइटी वेपन इन द हैंड ऑफ गॉड. परमेश्वर के हाथ में ऐसे ऐसे बलवंत हथियार बनोगे, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगा. यू शैल विनो देम एंड द विंड शैल कैरी देम अवे एंड द टेंपेस्ट शैल स्कैटर देम. यू शैल रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड द होली वन ऑफ इज़राइल. यू शैल ग्लोरी. हालेलुया, तुम्हें सिर्फ कड़ा रहना है, उसका विरोध करना है, बाकी काम परमेश्वर का है. हालेलुया, परमेश्वर के दाहिने हाथ बढ़ाया जाएगा, उसके हाथ में तुम ऐसे बलवंत हथियार बनकर रहेगा. द लॉर्ड विल स्ट्रेच फोर्थ हिज राइट हैंड एंड यू विल बी सच ए पॉलिश्ड वेसल, वेपन इन हिज हैंड, शार्प वेपन इन हिज हैंड, एंड द एनिमी will be flowed and the wind of God, the wind of heaven will blow them away. Hallelujah. Swargiya tufaan aayega. Hallelujah. Tum virodh karo dushman ka. Tab Prabhu kehte main haath batauunga. Uska chakna chur kar dunga. Usko dhool sa bana dega. Aur Parmeshwar ki hawa usko utha dega. Hallelujah. Hallelujah. Not a trace will be left of him. Dushman ka kuch bhi bhaag nahi rahega. Ek amsh bhi nahi bane rahega. प्रभु कहता टहले पिलवर देर इज ए कॉल टू वॉर. हालेलुया, प्रभु हमें आह्वान दे रहा है लड़ाई के लिए. ये एक बार नहीं, बार 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 पवित्र शास्त्र में हम ये देखते हैं. सिर्फ जुना नियम में ही नहीं है, हम नया नियम में जाकर भी शायद यही बात को देखेंगे. हम 48वें अध्याय में चले जाता, उसका 20वें वचन पढ़ता. बेबलोन में से निकलाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ. Go out from Babylon, flee from Chaldea. Declare this with a shout of joy and proclaim it. Send it out to the end of the earth. Say the Lord has redeemed his servant Jacob. Abhi Babylon mein kyun rahu? Hallelujah, Babylon se nikal aao. Babylon mitaya jayega. Babylon nivasiyon ke saath mitaya jayega. Babylon will perish. Babylon will be destroyed along with all her inhabitants. We will flee. Acts, Lot and his family was insisted by the angels to flee as fast as they can. Hallelujah, Parmeshwari ho. हमें आज आह्वान दे रहा है बाबिलोन को हम छोड़ते हैं. हालेलुया, हम बाबिलोन नामक जगह पर नहीं गया होगा, लेकिन बाबिलोन की आत्मा हमारे ऊपर प्रभाव करता है. इसलिए प्रभु कहते बाबिलोन की आत्मा से छुटकर पाकर भागो. ये खुशखबरी है, परमेश्वर ने अपने जन को छुड़ाया है. हालेलुया, कहता है शाउट टू द एंड ऑफ द अर्थ, द लॉर्ड हैज रिडीम्ड हिज सर्वेंट जेकब. हालेलुया, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है, हम अभी उसका गुलाम नहीं है. हालेलुया, कभी कभी हम इस देश से छुटकारा पाते हैं लेकिन बाबिलोन के प्रभाव में आते हैं. समटाइम्स वी आर लिबरेटेड, दो वी आर लिबरेटेड फ्रॉम इजिप्ट, फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ इजिप्ट, वी गो एंड गेट ट्रैप्ड एंड ट्रैप्ड बाय बाबिलोन स्पिरिट. वी विल रिजेक्ट इट. हालेलुया, एंड वी विल, हम उसको विरोध करते हैं हर तरह की बाबिलोन की आत्मा को, और हम भागते हैं परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के रागों में, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए. वी विल रन इन हिज वेज टू डू हिज ब्लेस्ड विल, एज वी रेड फ्रॉम साम 119. हालेलुया, वी विल रन, हालेलुया, इन द वे डिक्टेटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन जो निर्देशन देता है वो मार्ग से हम दौड़ेंगे. हालेलुया, उधार के लिए दौड़ेंगे, सुरक्षा के लिए दौड़ेंगे. उसका 54वां अध्याय से एक वचन पढ़ते, दो वचन पढ़ते, दो और तीन पढ़ते हैं. 54:2-3. अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट लंबा किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर.
Enlarge the place of your tent. Let the curtains of your habitations be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords. Hallelujah, and strengthen your stakes. Hallelujah. परमेश्वर की रीति है. अब हमें लगता है कि सारे चीज प्रतिकूलता में है. That everything is going against us. It's time for us to shrink back and to hide ourselves in a corner. No, the Lord says this is the time. Hallelujah. To think about expansion. This is the time to think about stretching yourself up. Hallelujah. अभी विस्तार में बढ़ाने के लिए तंबू को बढ़ाने का अवसर है. अनेक लोग प्रभु में आना चाहिए. अनेक लोग शैतान के चावनी छोड़कर के राज में प्रवेश करने चाहिए. अभी मौका है. हालेलुया, दिस इज द टाइम, सेज द लॉर्ड. हाथ मत रो, रस्सियों को लंबी करो, कूटों को दृढ़ करो. स्ट्रेंथन 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 एंड एक्सपैंड. हालेलुया, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. लेंथन योर कॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथन योर स्टेक्स. हालेलुया, एट द स्टेक्स बी स्ट्रेंथन्ड. हालेलुया, सारे कूटों को हम दृढ़ कर देते हैं और रस्सी को लंबा कर देते हैं. हालेलुया, दिस इज द टाइम फॉर एक्सपेंशन. दिस इज द टाइम फॉर growth, says the Lord. Amen. ये है बढ़ने के लिए समय है. ये विस्तार में हमारे तंबू को बढ़ाने का समय है. You'll spread about abroad. You'll spread abroad to the right and to the left. Your offspring will possess the nations and will people the desolate cities. वो कहते कि ऐसे तुम्हारे लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि तू दहीने भाग फैलेंगे. हालेलुया, कलीसिया उन्नति पाएगी. ऐसा कहता, the church will progress. Amen. एंड ताकि तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा. वंश वंश के लोग, जाति जाति के लोग प्रभु में आएंगे. हालेलुया, वी विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड सो एज टू हाइड आवरसेल्व्स एंड बिकम इनएक्टिव. हम इतने अपने आप को नाराज नहीं करते, हम इतना हताश नहीं होते है कि हम सारे चीज को छोड़कर एक कोने में अपने आप को छुपाने का प्रयास करें. प्रभु कहते ये उसके लिए समय नहीं है. Dearly beloved, the time is come for the church to awake. Kalisia ko jaag uthne ka samay aa gaya hai. Kalisia, main aur aap hai. You and I make the church of God. We have to get up. We got to arise. We got to be alert and we got to get going. Hallelujah. Hame aage badhna hai. Uska samay hai. हमें रोने के लिए बहुत सारा चीज है और विलाप करने के लिए बहुत सारा चीज है. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स फॉर अस टू लैमेंट ओवर और टू क्राई अबाउट, बट द लॉर्ड सेज दिस इज नो टाइम फॉर दैट. हालेलुया, दिस इज द टाइम फॉर अस टू स्टैंड अप एंड बिल्ड. हम यरेमिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, उसके पहले अध्याय में हम पढ़ता, पहले अध्याय का 10वां वचन पढ़ता. Jeremiah chapter 1, 10th verse. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और डा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए अधिकार दिया. See, I have set you this day over nations and over kingdoms to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow. To build and to plant. अधिकार देकर बेचता. यर्मियाह शायद बालक है. He may be a lad, he may be a young boy. But the Lord is saying, I have empowered you. I have given you authority over all wicked powers, all the powers of darkness. Amen. If they listen to you, they will be built up. If they do not listen to you, they will be destroyed. I give you the power and authority. This is how Jesus has sent his disciples. He said, if they reject your word, shake off the dust of your feet and go ahead. But if they receive it, they shall enjoy heavenly peace and everlasting life. चले लोगों को कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ. अगर कोई विरोध करे, कोई स्वीकारते नहीं है तो तुम्हारा पैर का धूल है उधर धड़क दे. और वहां लेके एक शांति का एक पुत्र वचन स्वीकारने वाला है तो वो जीवन बनाया जाएगा, वो स्वर्गीय शांति को अपनाएगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा. दिस इज द अथॉरिटी दैट द चर्च हैज बीन गिफ्टेड विद. कलीसिया को यह अधिकार दिया है. हालेलुया, इज नॉट ओनली जस्ट
an authority given, but it is also a responsibility given. ये सिर्फ एक एक अधिकार नहीं दिया गया, उसके साथ जिम्मेदार ठहराया गया भी है. Hallelujah! This is for us. We have the entire might of heaven backing us up. हमारे पीछे पूरे स्वर्ग का ताकत है, dear beloved. We are not alone. We look at frail servants of God. परमेश्वर के दास दासियों को हम देखते बड़े कमजोर हैं. वो लोग बलहीन दिखाई देते, लेकिन they are power packs. Hallelujah! वो लोग ऐसे ऐसे सामर्थ्य भरे हुए लोग हैं. उनके जीवन के कुबी के कारण नहीं है, उसके बुलाहट के कारण है. It's not because of their holiness, but because of the strength of the calling on them. May we go in the power of the Lord. Hallelujah. May we never be intimidated. We shall never be. Hallelujah. हम कभी ऐसे डरेंगे नहीं, हम कभी झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे. परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है. पौलुस ने क्या किया हम जानते हैं, पत्रस के हाथ से क्या क्या हुआ हम जानते हैं. अधिकार है. Hallelujah. उनका परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है. आमेन. हम आगे बढ़ते हैं बनाने के लिए और ढा देने के लिए. परमेश्वर के विरोध करने वाला, परमेश्वर की काम का विरोध करने वाला, हर तरह के अंधकार की शक्तियों को ढा देने के लिए, मिटाने के लिए, और परमेश्वर के हित के लिए आमीन कहने वालों को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, जिम्मेदार ठहराया है. हम आगे बढ़ता 12:5 पढ़ता. यर्मिया 12 अध्याय का 5वां वचन. Jeremiah chapter 12 verse 5. तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो दौड़ों के घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा. If you have raced with men on foot, they have wearied you, and how will you compete with horses? और जो पैदल चलने वाले लोगों के साथ दौड़कर तू श्रमित हो जाता, तो घोड़ों के साथ कैसे लड़ोगे, घोड़ों के साथ कैसे बराबरी करोगे. इफ यू गेट टू बी रीड वन आउट एक्सॉस्टेड एंड अबाउट टू गिव अप हैविंग रेस्ड विद मैन, देन हाउ विल यू कॉम्पीट विद हॉर्सेस. मैन द एनिमी माइट कम ऑन हॉर्सेस. इसलिए हमने देखा कैसे परमेश्वर का दास भागा, परमेश्वर का सामर्थ्य से भागकर राजा के घोड़ा और राजा का रथ को भी पार किया. Amen. He would defeat the king and the horse and the chariot in his race. Hallelujah. The man of God Elijah. When you are empowered, when you are strengthened, hallelujah, you will overpower the enemy. Amen. Dushman ke upar prabal honge. You will overrun him. Hallelujah. To usko upar daudoge, usko hara doge ye daud mein. प्रभु कहते सामर्थ दिया, उकाब के पंखे दिया गया है. यू हैव बीन ब्लेस्ड विद विंग्स एज दैट ऑफ एन ईगल. हालेलुया. यू शैल नॉट बी वर्न आउट, यू शैल नॉट बी वेरी, यू शैल नॉट बी एक्सॉस्टेड. आमेन. विद एम्पावरिंग ऑफ हेवन, स्वर्ग जब सामर्थ्य देता हम भागेंगे. हालेलुया. वी विल आउटविट द एनिमी. हम दुश्मन को लज्जित करेंगे. उसको उपाय, उसको जितना भी उपाय क्यों ना हो, उसका कितना भी युक्ति क्यों ना हो, हम उसको पराजित करेंगे, लज्जित करेंगे यीशु के नाम में. हम वहां से आगे बढ़ता हम ऐसे किए भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में आता. ये वचन मुझे बहुत प्रिय वचन था, बचपन से मेरा एक प्रिय वचन है. वो पूछते इतने सारे समस्याओं के सामने तू अगर थक जाते, तो अति घोर लड़ाई की सामना तुझे करना है. इफ यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड इफ यू गेट डिसअपॉइंटेड एंड वर्न आउट फेसिंग सच इश्यूज ऑफ लाइफ टुडे, हाउ विल यू फेस सच माइटी बैटल्स अहेड, इज व्हाट द वर्ल्ड इज आस्किंग अस एंड चैलेंजिंग अस फॉर. हम एजेकिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में आता है दूसरे अध्याय का. वी मूव ऑन फ्रॉम देयर टू द बुक ऑफ एजेकिया द प्रॉफिट चैप्टर 2:4. इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं वे निर्लज और हठीले हैं. कहते हैं द डिसेंडेंट सॉरी दो चार है यस सर. The descendants also are impudent and stubborn. I send you to them, and you shall say to them, Thus says the Lord God, Tum jaoge. Amen.
Nothing will dissuade us. Nothing should stop us from going. Nothing will hinder us. हमें कोई नहीं रुकाएगा, हमें कोई चुप नहीं कराएगा। हम बोलेंगे, वे लोग नहीं सुनेंगे। इस पीढ़ी के लोग जिसके पास मैं तुझे बेचता, वे निर्लज और हट्टीले हैं। They don't care. You may have to face scorn and ridicule of them. वो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे बात को तुच्छ मानेंगे, लेकिन तुम मुंह खोलोगे। आमेन। You will speak and you shall speak. Whether they hear or refuse to hear. पांचवा वचन ऐसा है, प्रभु हो यो कहता है तो ऐसा कहो, वो लोग सुनना चाहे ना सुने तो भी तू कहना है, क्योंकि मैं ये स्थापित करूंगा कि वहां एक भविष्यद्वक्ता था। That I will have to prove that there was a prophet trying to speak to them. Dearly beloved, it's our job. Amen. We will speak. We will not keep quiet. Just because people are rejecting our counsel. Just because people are opposing. Just because people are belittling. कुछ लोग हमारी जो सलाह को निंदा करते हैं, उसको तुच्छ मानते हैं, भीतर हंसते हैं, तो भी हम बोलेंगे। परमेश्वर कहता तुझे बोलना है, हालेलुया, ताकि वो जान जाए कि उसके बीच में एक भविष्यद्वक्ता को मैंने भेजा था। हम योहेल के योहेल भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में चले जाता, बुक ऑफ जोएल चैप्टर 1 एंड 13th वर्स। हे याचको, कटी में टाट बांध कर चाती पीट पीट कर रो, हे वेदी के टहलुओ हाय हाय करो, हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। पुट ऑन सैकक्लॉथ एंड लमेंट ओ प्रीस्ट, वेल ओ मिनिस्टर्स ऑफ द ऑल्टर, Go in past the night in the sackcloth, O ministers of my God, because grain offering and drink offering are withheld from the house of your God. Will we be sensitive enough to see the true condition of the Church of Jesus Christ? Yeshu Christ ki kalisiya ka aaj ki avastha dekhne ke liye hame samvedanshilta hai kya? Are we sensitive? If so, when we are the prophets, sorry, when we are the priests, it's for us to weep and lament for mercy. अब समय आ गया है याचकों के लिए। नया नियम कहते हैं कि हम याचक लोग हैं, तो समय आ गया है परमेश्वर का मुख खोजे, रोते रहे। कारण हमने पहले वचन में पढ़ा, वे लोग हटीले हैं। There are people who are stubborn and adamant and hard-hearted, not receiving the word of God, not trembling before the word of God. इसलिए ऐसे लोग हैं, हटीले हैं, अहंकारी हैं, परमेश्वर को वचन के सामने थर थरने वाले नहीं हैं, परमेश्वर को भय नहीं मानते, सलाह को इनकार करते हैं, they reject God's counsel. They are so defiantly walking in their own ways. अपने ही मार्ग से ऐसे हटीले होकर चलते हैं, stubborn and adamant. So the Lord says, weep and cry. ये हमारे लिए है, ये सिर्फ मेरे लिए भी करना है मुझको। जब मेरा हृदय ऐसे कठोर हो जाता, मैं इतने अहंकारी होकर चलता, परमेश्वर के वचन के निराधार करता, तो मेरे लिए भी है। That we will weep and cry. ऐसे कहते, wail O ministers of the altar, pass the night in sackcloth, O ministers of my God. रात भर रो तो भी चलेगा, कहते रोते रहो रोते रहो, pass the night, O ministers of my God, because grain offering and drink offering are withheld from the house of the Lord. परमेश्वर के मंदिर में कोई कुछ लेकर नहीं आता, सिर्फ पाने के लिए आते लोग। People are coming for material benefits, for satisfying their desires and their wants.
They're not bringing anything into the house of the Lord. They're not coming to offer themselves. They're not coming to offer their precious things. वो लोग उसके कीमतीमान चीज को अर्पण करने नहीं आता, अपने आप को बलिवेदी पर अर्पण करने नहीं आता. वो लोग कुछ पाने के लिए आता है, कुछ बौद्धिक अनुग्रह पाने के लिए आता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आता है. Wail, O priests of God, weep, O ye servants of God. रोकर परमेश्वर का मुख खोजो, विलाप करो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर. ऐसे परमेश्वर का वचन हमें आख्वान दे रहा है. हम अमोस के पुस्तक में चले जाता, अमोस का पुस्तक, बुक ऑफ अमोस चैप्टर 7 सातवां अध्याय. अमोस का पुस्तक सातवां अध्याय का 15-16 पढ़ते हैं. अरे यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इसराइल से भविष्य ध्वनि कर. द लॉर्ड टुक मी फ्रॉम फॉलोइंग द फ्लॉक, टेंडिंग द फ्लॉक, एंड द लॉर्ड सेड टू मी, गो प्रोफेसाई टू माई पीपल इसराइल. खुद चुना हुआ एक काम नहीं है. परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के संत लोग सेवकाई करते हैं इसलिए नहीं कि उसको दूसरा कुछ काम नहीं है. They've been called. वो बुलाया गया है इसके लिए वो प्रचार करते हैं. Not because they were more qualified than the rest. बाकी लोगों से अधिक योग्यता उनमें था उसके लिए नहीं बुलाया. उसने बुलाया, उसका मर्जी है वो. He does his will. उसका मर्जी के अनुसार करता. तो परमेश्वर के दास दासियों को परमेश्वर ने ऐसे काम करते वक्त बुलाया और परमेश्वर का मुंह बनने के लिए, वक्ता बनने के लिए खड़ा किया. He called such ordinary people from their workplaces and appointed them, anointed them to be his mouthpieces, his oracle. उसका मुंह बनने के लिए, उसके वक्ता बनने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है. Whatever be our background, we have been called. प्रभु ने हमें बुलाया है, पश्चात हमारा कुछ भी क्यों ना हो. इसलिए परमेश्वर का दास कहता, मैं नहीं समझता कि मैं उसके लिए योग्य हूं, लेकिन प्रभु का निर्बंध है मेरे ऊपर. I do not count myself worthy, but I am constrained by the love of God, and I am called by God. Amen. परमेश्वर के प्रेम के कारण मैं निर्बंधित हूं और प्रभु ने मुझे बुलाया है. यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से बुलाया और इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन. Now therefore hear the word of the Lord. You say, do not prophesy against Israel. You do not preach against the house of Israel. This is what those people are saying. Amen. कहते ऐसे लोगों से तू बात करोगे. वो कहते अभी हमें तुम्हारा भविष्यद्वाणी नहीं सुनना है, तुम्हारी ओर से हमें सलाह नहीं सुनना है. प्रभु तुझसे बात नहीं करता, हम नहीं मानेंगे, ऐसा हमने किधर भी नहीं सुना. ऐसे सब कहते हैं, इसराइल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत करो ऐसे तुम लोग कहते हैं. इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना ऐसे कहता. यू डू नॉट प्रीच अगेंस्ट द हाउस ऑफ आइसक. इवन आई डू नॉट लाइक दीज वर्ड्स कमिंग टू मी, मेकिंग मी रिस्पॉन्सिबल एंड आस्किंग मी टू गो एट हिज कमांड एंड डू हिज विल कम व्हाट मे. मुझे भी अफसोस हो रहा है, ये वचन मेरे सामने आते मुझको जिम्मेदार ठहराता ये वचन और मुझको बोलते तू जाओ मेरे कहने पे और करो ऐसे काम जो तू करना पसंद नहीं करता. बट यू विल डू इट सेज द लॉर्ड. परमेश्वर का आह्वान है, प्रभु ने सारे प्रबंध कर चुका है. आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा क्यों इसको भेजता, उसका कारण क्या है. ऐसी अवस्था में हालेलुया कलीसिया में ऐसे वचन सुनाना अवश्य है. लेट द चर्च हियर सच वर्ड्स, लेट द चर्च लिसन टू द एडवाइस ऑफ हेवन, द काउंसिल ऑफ हेवन. स्वर्ग की जो आह्वान है, स्वर्ग की जो सलाह है, वो सुनने का समय आ गया कलीसिया को. दिस इज नॉट ए प्लेस वेयर वी डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स. यहां लोगों को ऐसे दान देने वाला एक 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 जगह नहीं है परमेश्वर की कलीसिया. परमेश्वर के कलीसिया में उपदेश है, परमेश्वर के कलीसिया में सलाह दिया जाता है, परमेश्वर के कलीसिया में निर्देशन दिया जाता है. इन द चर्च ऑफ गॉड वी रिसीव हेवनली काउंसिल, इन द चर्च ऑफ गॉड वी रिसीव गाइडेंस फ्रॉम अबव, इन द चर्च ऑफ गॉड वी रिसीव इंस्ट्रक्शंस. हालेलुया, हम आगे बढ़ते हैं.
हम योना का पुस्तक में चले जाते हैं, बुक ऑफ योना, एंड वी रीड फ्रॉम चैप्टर 3:2-3। तुम तो भलाई से बाहर, सॉरी योना, योना 3:2-3, उड़कर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। Arise and go to Nineveh, that great city, call out against it the message that I tell you। निनवे में जाना है, इतने क्रूर लोग रहता है, इतने गंदे लोग रहता है। A city, a great city, inhabited by such wicked people, such rebellious people। तुम जाओगे और मेरा वचन सुनाओगे। So Jonah arose and went to Nineveh। Amen। निनवे शहर जो है परमेश्वर का जन का विरोध करने वाले शहर है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानने वाला शहर है, मनमानी से जीने वाले शहर है। The citizens of Nineveh would never listen to God's word or God's counsel। They walked the way they wanted, as it pleased them, and they did all that gave them pleasure। ऐसे लोग है, लेकिन योना ने वचन सुनकर परमेश्वर का कहना मानकर गया। Dearly beloved, we have no excuses to make। जब प्रभु भेजता हम जाएंगे, बोलो निंदा करे, अनसुनी करे, तो भी whether they ignore us or ridicule us, we will go। Some Nineveh will be delivered। Amen। कुछ कुछ Nineveh शहर छुटकारा पाएगा। Some Ninevehs will be gloriously saved। Amen। Though many other Ninevehs may oppose and reject। बहुत सारे Nineveh शहर विरोध करता होगा, लेकिन कुछ Nineveh शहर उद्धार भी पाएगा। हम सुनाएंगे, कलीसिया का धर्म है। This is the responsibility of the church। Amen। Keep speaking the word, calling people to repentance। लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाते हुए वचन सुनाओ। Amen। परमेश्वर का अंतिम दिन के बाद सुनाओ। Declare the soon coming judgment of God। Let people hear, some will hear and some will turn to the Lord। कलीसिया को यह तुरही फूकने का अवसर आ गया है। This is the time for the church to blow such a trumpet to all the Ninevehs around। वहां से आगे बढ़ता हम हबक्कूक के पास चले जाते हैं। हम बहुत कम जाते हैं हबक्कूक के पास। We move on to the book of Habakkuk, chapter 2 and verse 2 and 3 again। Chapter 2, verse 2 and 3। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख देखी, दौड़ते हुए भी वे सखत से पड़ी जाए। हालेलुया। Write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it। ऐसा बड़ा अक्षर में लिख के रखो, जो लापरवाही से जीते हैं उसके कान में भी गूंज उठना चाहिए, उसके नजर भी ये देखना चाहिए। People who ignore the counsel of God, people who do not incline their ears to receive heavenly guidance, let them also see it in their race after the things of the world। दुनियादारी के पीछे जब वो भागते तो वो भी सुनने दे। They will never get an excuse to say that we never were told। हमें बताया नहीं गया था, ऐसा वो बोल ना पाएगा। ऐसा लिख रखो क्योंकि इस दर्शन की बीत बात नियत समय में पूरी होने वाली है। For still the vision awaits its appointed time, it hastens to the end, it will not lie, no word of God will ever be disproven, no word of God will ever be proven false। Parameshwar ka vachan kabhi galat nahi ho sakta। Hallelujah। Agar Parameshwar ne vachan diya hai wo pura kiya jayega, agar Parameshwar ne darshan diya hai wo apne samay par pura kiya jayega। Hallelujah।
वी मे मिसइंटरप्रेट इट, हम उसका गलत व्याख्या कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा। हालेलुया, वो जरूर होगा। परमेश्वर का वचन जब शरीर की जो बात करते हैं, शरीर को उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, तो हम कभी कभी समझते नहीं है वो आत्मिक बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है और होगा ही होगा। इफ गॉड हैज स्पोकन इट शैल कम टू पास। हालेलुया, हम आगे बढ़ते इसलिए हिम्मत है। Amen. That is our boldness. That is our confidence. That every word that God has spoken, hallelujah, everything that God has shown will come to pass no matter what. Hum aage badhte hain. Hum Zakariya bhavishyavakta ki pustak mein aate hain. Whether people believe it or not, whether people are willing to accept it or not, it is decreed in heaven and it shall come to pass. Panchwa, tisra adhyay. जकरिया भविष्यद्वक्ता का तीसरा अध्याय का सातवां वचन, सेनाओं के यहोवा तुझसे यों कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंकनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हालेलुया। Thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways and keep my charge, then you shall rule my house and have charge of my courts, and I will give you the right of access among those who are standing here. Swargdooton ke beech mein, pradhan dooton ke beech mein, aise log chalte rahenge, ghumte rahenge parmeshwar ke rajya mein. Amen. Agar hum vachan ko manta और उसके वचन के सरणी में पथों में चलता रहता, यदि तू मेरे मार्गों पर चले तो, इफ ओनली यू वॉक इन माय वेज एंड कीप माय चार्ज, वी विल कीप हिज चार्ज बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सहायता से हम मानेंगे, उसके हर कहना मानेंगे, उसके राहों में चलेंगे, स्वार्थ लाभ के लिए, एक तात्कालिक लाभ के लिए हम उसके मार्ग छोड़कर नहीं चलेंगे। फॉर ए टेम्परल गेन, फॉर ए ट्रांसिएंट प्लेजर, वी विल नॉट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हिज वेज, वी विल वॉक इन हिज वेज एंड डू हिज ब्लेस्ड विल, दैट वी शैल बी अमंग सच आर्कएंजल्स ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के प्रधान दूतों के संग मिलकर स्वर्ग सिंहासन के सम्मुख उसकी आराधना करेंगे। आमेन। वी शैल फाइंड रेडी access into the very throne of God, that we may worship the Lord God Jehovah. Hallelujah, along with all the heavenly angels. Amen. Vasyam aage padta, ab Malachi pustak mein chale jata, dusra adhyay ka satva vachan padta, book of Malachi chapter 2 verse 7, kyunki yajak ko chahiye ki wo apne oton se gyan ki raksha kare, और लोग उसका मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। फॉर द लिप्स ऑफ ए प्रीस्ट शुड गार्ड नॉलेज, पीपल शुड सीक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज माउथ, फॉर ही इज द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। हालेलुया, हम परमेश्वर के याचक लोग हैं, कहते हैं हम लोग ही इज द एंजल ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट, ऐसा कहता है, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, हर कलीसिया का दूत को लिखो, राइट टू द मैसेंजर ऑफ द चर्चेस, डियरली बिलोवड, मे वी बी इंस्ट्रक्टेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। वहां कहता है, फॉर द लिप्स ऑफ अ प्रीस्ट शुड गार्ड नॉलेज, जानकारी होना दुनियादारी का नहीं, पृथ्वी से सूरज तक कितना दूर है वो नहीं मालूम पड़ेगा तो भी चलेगा, इवन इफ यू डू नॉट नो हाउ फार इज सन फ्रॉम द अर्थ, इट्स ओके, बट यू शुड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जानना अवश्य है। पीपल शुड सीक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज माउथ, तभी लोगों को हम निर्देश दे सकता, तभी हम व्यवस्था के आधार पर हम लोगों को सलाह दे सकता। आमेन। ज्ञान की रक्षा करे, लोग उसका मुंह से व्यवस्था पूछे। आमेन। वी हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, द काउंसिल विल कम फ्रॉम सायन, इंस्ट्रक्शन विल कम फ्रॉम जेरूसलेम। हालेलुया, कलीसिया से उपदेश निकलेगी। आमेन। सियोन से उपदेश निकलेगी, सियोन से सलाह दिया जाएगा,
May people ask for the counsel based on the very word of God and not based on human wisdom. Manishi ke buddhi ke aadhar par nahi hai, pavitra shastra ke aadhar par. Let them seek instruction from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Not because he is a learned man, not because he is the holiest, but because God has appointed him as a minister, as a messenger of God. Hallelujah. Isliye nahi ke wo bahut accha manushya hai, bahut bada buddhiman manushya hai, उसके कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। जैसे आमोस को बुलाया और नियुक्त किया, वैसे परमेश्वर ने आज हमें नियुक्त किया है। आमेन। वी रीड इन द बुक ऑफ रेवलेशन दैट यीशु क्रिस्त ने हमें परमेश्वर पिता के लिए एक राज्य और याजकों का समाज सा ठहराया है। जीसस इज अपॉइंटेड अस अनटू गॉड द फादर ए नेशन एंड ए नेशन ऑफ प्रीस्ट। हालेलुया। हम आगे बढ़ता, हम नया नियम में नजर डालता। वी मूव ऑन टू the New Testament, and we look into the Gospel according to Saint Matthew, chapter 6. बीस और इक्कीस हम पढ़ते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंग लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Lay up for yourself treasures in heaven, amen, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Where your treasure is, there your heart also will be. Kitna bewakuf insaan mein hoon, uddar paya hoon kalisiya ka santaan hoon, lekin abhi bhi daudta ye talkali cheezon ke piche, ye nashwan cheezon ke piche, ye sambatti ke piche chit lagata, makan, ghar, paisa, gaadi, ye sab cheez ke bare mein main sochta, aur mere talkali labh ke liye main kuch bhi karne ke liye taiyar hai, kuch bhi tukrane ke liye taiyar hai. I won't mind destroying relationship, I won't mind giving up the costly precious things of heaven, of eternity, but I will run after my own desires and plans. I will go after the wealth of the world. I will be accumulating the riches of the world. I say, main sochta, main karta. Lekin Parameshwar kehta, jahan tera dhan hai, wahan tera chit bhi rahega. Hallelujah. Is my life centered about eternal things? Around eternity. Hallelujah. Is eternity the pivot? Hallelujah. Of my life. मेरे जीवन का जो हिंज है वो इटर्निटी, अनंत जीवन है क्या? मैं अनंत जीवन के बारे में कितना सोचता? हालेलुया। यहां के नाशवान संपत्ति के पीछे पड़ा है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुमसे उम्मीद है, व्हेन आई हैव मेड ऑल द प्रोविजंस, व्हेन डिवाइन प्रोविडेंस इज अवेलेबल, डोंट यू बी रनिंग आफ्टर द पेरिशेबल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने सारे प्रबंध किया है, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം കരുതിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ, നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളപ്പോൾ, ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന സമ്പത്തിന്റെ പിറകെയും നിന്റെ താൽക്കാലിക സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പിറകെയും പോയി ജീവിതം പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല. നിന്റെ സമ്പത്ത് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അത്രയും നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो सरल है, और वो मार्ग जो विनाश को पहुंचते हैं, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। एंटर बाय द नैरो गेट, फॉर द गेट इज वाइड एंड द वे इज ईजी दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, एंड दोज हु एंटर इन बाय इट आर मेनी। बहुत सारे लोग ऐसे विशाल मार्ग से आसानी से जीते, आराम से जीते हैं, लेकिन वो नाश की मार्ग है। प्रभु कहते यहां नियंत्रण है, यहां सीमाएं है कलिसिया में। देर आर रेस्ट्रिक्शंस, देर आर लिमिटेशंस फॉर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आमेन। बट देन द वर्ड सेज, डोंट यू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेजॉरिटी। जो बहुतायत से जीवन, बहुतायत के लोग ऐसे चलते हैं, बहुमत के लोग ऐसे चलते हैं, बड़े विशाल मार्ग से चलते हैं, लेकिन वो नाश की ओर बढ़ता है। शालवी मेवी नेवर इमिटेट द वेज ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनियादारी को कभी नहीं अपनाएंगे, उनका अनुकरण हम कभी नहीं करेंगे। पवित्र शास्त्र कहते हैं, क्योंकि सखेद है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। द गेट इज नैरो एंड द वे इज हार्ड दैट लीड्स टू लाइफ एंड दोज हू फाइंड इट आर फ्यू। कम लोग वो मार्ग से चलते हैं। मे आई नॉट बी इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेजॉरिटी, what the world does, what my friends are doing,
मेरे मित्र लोग जो करते कैसे जीतते हैं वो मेरे ऊपर प्रभाव न डाले, उसके रीतियों को मैं नहीं अपना हूं. आई विल नॉट इमिटेट देयर वेज, आई विल स्टिक टू दिस माइनॉरिटी कॉल बाय गॉड. आमेन. प्रभु ने ये कुछ लोगों को बुलाया, उसके संग में मैं रहूंगा. आमेन. जस्ट बिकॉज द अदर पीपल आर फॉलोइंग देयर ओन विम्स एंड फैंसीज, उनकी इच्छा से वो लोग चलते हैं तो मैं नहीं चलूंगा. जैसे बचपन में मेरे एक मित्र ने कहा था कि देखो मेरा मित्र जो है वो नरक में जाने वाला है, तो मैं भी उसके संग जाऊंगा, क्योंकि हमारी मित्रता नरक में भी बने रहेगा. देयर इज नो फ्रेंडशिप इन हेल, देयर इज ओनली हेट्रेड फॉर ईच अदर. दे अटैक ईच अदर, दे ट्राई टू वूंड ईच अदर. देयर इज नो फ्रेंडशिप इन हेल. डोंट यू एवर बी फूल्ड बाय द डेविल. शैतान हमें वंचित न करे, धोखा न दे. देयर इज नो फ्रेंडशिप, देयर इज नो कॉमरेडशिप इन हेल. देयर इज टॉर्मेंट एंड टॉर्मेंट एंड टॉर्मेंट. वहां पीड़ा है, दर्द है, संकट है. वहां की ओर बहुत सारे लोग जाता होगा, बट आई रिफ्यूज टू गो, आई रिफ्यूज टू गो. मेरी एक आंटी की याद आता, मेरी आंटी जब प्रभु को स्वीकारा, उसका पति ने कहा, मेरे अंकल ने कहा, मैं नरक में जाता हूं, अगर मैं नरक में जाता तो साथ में नहीं आएगी. वो तो नहीं, नरक में कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है. दर्द है, रोदन है, नफरत है. देयर इज हेट्रेड, देयर इज वेलिंग, देयर इज एफ्लिक्शन एंड पेन इन हेल. दो वी आर रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड, मे वी फॉलो दिस नैरो रूट विच लीड टू इटर्नल लाइफ. जो हमारे ऊपर प्रबंध लगाया, हमारे ऊपर जोरा जोरा सीमाएं लगाया है, हमें वो लोग थोड़ा सीमित किया है, सख्ती से चलना पड़ता है, तो भी हम चलेंगे, क्योंकि अनंत जीवन का मार्ग यही है. हम आगे बढ़ते हैं, उसके 16वें अध्याय में हम चले जाते हैं. वी मूव फ्रॉम देयर टू द 16th चैप्टर और उसका 24 पढ़ते हैं. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. Then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. कितने बार हमने पढ़ा है ये वचन, बहुत परिचित है, but familiarity breeds contempt. ये बार 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 सुनने से हम उसको बहुत हल्का से समझता, इसलिए और एक बार ये वचन मुझे याद कराता, यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे. ये वचन मुझसे बात करता, चिल्ला चिल्ला कर बात करता, अपने आप के इनकार करे. दिस वर्ड्स स्पीक्स टू मी लाउड एंड क्लियर, स्ट्रेट टू माई हार्ट. अपने आप के इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले. And he denied himself along with all his desires, all his plans, all his intentions, all his decisions. Sab kuch. Denying himself, taking up his cross and follow me. Parameshwar ke liye ninda bhogne ke liye, Parameshwar ke liye bojh uthane ke liye. Hallelujah, hum uske piche aaye, aise aahwan hamare paas aata hai. Amen. This is the counsel to the churches. Kalisiyaon ke liye ye upadesh hai. ये परमेश्वर की ओर के सलाह है. हम तो ऐसे टोकरी लेकर आते हैं, वी कम विथ एम्प्टी बास्केट्स एंड एम्प्टी वेसल्स टू कैरी बैक होम ऑल द ब्लेसिंग्स. सारे अनुग्रह टोकरी भरकर लेके जाने के लिए हम लेकर आते हैं, गोनी गोनी भरकर लेकर जाने के लिए हम आते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते मेरे पीछे जो आना चाहे वो अपने आप को खोना चाहिए, अपने आप को इनकार करना चाहिए, क्रूस उठाना चाहिए और मेरे पीछे हो लेना चाहिए. ऐसे कहता हूं, वहां से आगे बढ़ता हूं, 22वां अध्याय में चले जाता. वचन सब कठिन है मैं जानता, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन ये वचन मुझे ऐसे चैलेंज कर रहा है. दिस वर्ड इज चैलेंजिंग मी, दो इट इज हार्ड फॉर मी टू डाइजेस्ट, बट द वर्ड इज क्लियर एंड प्लेन. वचन बहुत सफाई से कहता है, कठिन लगता मुझको, लेकिन यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का उपदेश है. लेट इट चैलेंज अस, चुनौती जरूर देता,
लेकिन हम मानेंगे, हम झुकेंगे, हम आगे बढ़ता। उसके बाद हमें 22वां अध्याय से 12वां पढ़ना है। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। एंड ही सेड टू हिम, फ्रेंड, हाउ डिड यू गेट इन हियर विदाउट अ वेडिंग गार्मेंट? एंड ही वॉज स्पीचलेस। शैतान हमें धोखा ना दे। शैतान कहते, तूने यीशु को स्वीकारा, अभी कैसा भी जियो चलेगा। द डेविल व्हिस्पर्स इन माय इयर्स दैट बिकॉज आई रिसीव जीसस एज माय सेवियर, आई कैन लिव द वे आई लाइक। पर परमेश्वर का वचन आई एम अफ्रेड ऐसा नहीं सिखाता। मैं डरता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। अगर स्कूल में भर्ती हुआ तो यूनिफॉर्म पहनना अवश्य है। If I'm enrolled in a school, I must wear the uniform. प्रभु कहते हैं उसके बिना असंभव है। Hallelujah. We have to put on Christ. इसलिए वचन में लिखा है, क्रिस्तु को ही ओढ़ ले, धारण कर ले। Clothed with Christ shall the church be. कलीसिया को ओढ़ने का वस्त्र यीशु क्रिस्त स्वयं है, क्योंकि कलीसिया यीशु का शरीर है। हम आगे बढ़ता। वस्त्र के बिना हम राजा के सम्मुख खड़ा नहीं रह पाएगा। I'm afraid that we won't be able to stand before God the Father if not in the right garment. सही वस्त्र पहन कर नहीं है तो। हम आगे बढ़ता, उसका 24वां अध्याय में आता और 42वां वचन पढ़ता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। Therefore stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. You will know the season, but you will know the time, the day. दिन नहीं जानता। हमें पता है कि मौसम आ गया है। These are the times, the end times. हमें पता है, लेकिन वो दिन नहीं जानता। इसके लिए कहते कि सचेत रहो, इसलिए जागते रहो कि तू नहीं जानता कौन सा दिन प्रभु प्रकट होने पर है। ऐसा लिखा है, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा तू नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, ऐसे प्रभु का आह्वान है। मे वी बी अलर्ट एंड अवेक, कैन बी वॉचफुल एज द वर्ड इंस्ट्रक्ट्स अस टू बी। 25वां अध्याय में आता, 25वां अध्याय का मत्ती का ही 13वां वचन पढ़ता, 13th वर्स। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। नॉट ओनली दैट यू डू नॉट नो द डे, बट यू डू नॉट नो द आवर ऑल्सो। दिन को भी नहीं जानता, वो घड़ी को भी नहीं जानता, कि उसका मतलब है ये क्षण भर में होने वाली बात है। सो अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट इट विल हैपन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आमेन। आधा पल में होने वाली बात है ये। आमेन। दिस इज हिज फर्स्ट अपीयरेंस। आमेन। ये पहले बादलों में आने वाली बात है। It will so happen in the twinkling of an eye. The dead saints will be brought back to life. And the church will be gloriously raptured. Hallelujah. Aankhon ko palki kavatai mein aadha pal mein. Mare hue siddh log ji uthenge. Rupantar prapt karenge. Aur jo zinda rehta kalisiya. Woh pura udhar payenge. Pura uthaya jayenge. Amen. That is the glorious rapture. Hame hum aage badhna hai. हम लूका के सुसमाचार में चले जाते हैं। वी मूव फ्रॉम देयर टू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक एंड लुक इनटू द 6th चैप्टर। लूका का 6वां अध्याय में जाकर हम 47वां वचन पढ़ते हैं, 47। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। कहते आई विल शो यू हाउ दैट मैन इज, that everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. वो कैसा मनुष्य मैं बताऊंगा, बाकी आप जानते हैं। इसके लिए मैं उधर लिख के नहीं रखा। ऐसा मनुष्य है जो ऐसा मकान बनाता है, ऐसा नींव डालता है। सकता उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली है। हालेलुया। ही इज सच अ मैन हु विल डिग डीप एंड ले द फाउंडेशन ऑन द रॉक। Amen.
बाढ़ आए तूफान आए वो गिरेगा नहीं. लेट फ्लड्स अराइज एंड लेट स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अगेंस्ट इट, इट विल स्टैंड. आमेन, आमेन. वो कैसे बात है हम सब कुछ जानते हैं, उसके ऊपर बहुत चर्चा किया हम लोग. वो मनुष्य वचन को मानने वाला ऐसे कहता, आमेन, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है. Everyone who comes to me and not just hears my words but does them. Amen. Aisa vyakti jo sirf vachan sunkar amen kehkar hallelujah kehkar udke jane wala vyakti ke vishay mein nahi kehta. Not about the one who comes and very gladly listens to the word and responds to it with a loud amens and hallelujahs and goes back home and does not live by it. Aise vyakti ke vishay mein nahi kehta. वचन सुनकर उसका उसका आदर करने वाला, उसका अनुसार जीने वाले के विषय में कहता है. वहां से आगे बढ़ते हैं, ग्यारहवें अध्याय में चले जाता, ग्यारहवें अध्याय का तीसरा वचन पढ़ता. हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर. गिव अस ईच डे आवर डेली ब्रेड. यीशु ने सिखाया यह प्रार्थना करने को. डेली वी मस्ट रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड. दिस इज अनदर काउंसिल फ्रॉम अबव. स्वर्ग की एक सलाह ही है. कभी तो मैंने पाया था कुछ वचन ऐसा नहीं है. डेली मैं रिसीव हेवनली इंस्ट्रक्शन एंड हेवनली गाइडेंस थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे अगुवाई मिले, मैं सलाह पाऊं. ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह यीशु ने सिखाया. लेट माय क्रिश्चियन लाइफ बी नॉट लिमिटेड टू अ संडे और ए बर्थडे और ए न्यू ईयर्स डे. मेरा मसीही जीवन एक इतवार के आसपास, नहीं तो मेरा जन्मदिन के आसपास, नहीं तो एक नया बरस का दिन, नया दिन का आसपास नहीं बने रहे. लेट इट बी माई डेली एक्सपीरियंस टू रिसीव फ्रॉम हिम, टू ईट ऑफ हिज डेली प्रोविजन, हिज मन्ना, जो रोज प्रबंध किया है मुझे, मेरे लिए मन्ना बरसाया जा रहा है, उसको मैं अपनाऊ. ऐसे अपनाकर मैं चलू. धन्य ऐसे लोग जिसको मना खिलाया जाता है. ब्लेसेड आर दोज पीपल हु आर फेड अपॉन हेवनली मना एवरी डे डेली. उसके बाद हम जाता है 16:13 पढ़ता, 16:13 वचन. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा. नो सर्वेंट कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर आइदर ही विल हेट द वन एंड लव द अदर, आइदर आई विल लव द वर्ल्ड एंड विल अडॉप्ट द वेज ऑफ द वर्ल्ड इवेंचुअली, और आई विल बी ऑल फॉर हिम. मैं प्रभु के लिए सदा बने रहूंगा, नहीं तो मैं दुनियादारी करूंगा और मैं दुनिया का दास बनूंगा. सूनर और लेटर, अधिक समय नहीं लेगा उसके लिए. अब मुझे लगता है एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज नाइसली बैलेंस्ड, ऐसे मुझे लगेगा. अच्छी रीति से मैं तुलन कर जाता हूं कि माय सेक्युलर लाइफ एंड माय स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसे लोग सोचते हैं. मेरे सामाजिक जीवन और मेरी मसीही जीवन को मैं अच्छा से कॉम्प्रोमाइज करके लेके जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं टहरेगा वो. कहता है यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स डियरली बिलव्ड. और परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है. ही नोस योर हार्ट. माई हार्ट इज डिवाइडेड, ही नोस. आई कैन फूल द वर्ल्ड, मैं दुनिया के ऊपर प्रभाव डाल सकता, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय को परखता है. आर देयर आइडल्स इन माई हार्ट. मेरे हृदय में आज भी मूर्तियां है. प्रभु कहते उसको निकाल दो, फेंक दो. वहां से मैं आगे बढ़ना चाहता. 18 अध्याय में आता, पहला वचन पढ़ता. फिर उसने उसके विषय में ये नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनमें उसे ये दृष्टांत कहा. एंड ही टोल्ड देम अ पैराबल टू द इफेक्ट दैट दे ऑट टू ऑलवेज प्रे, दे ऑट ऑलवेज टू प्रे एंड नॉट लूज हार्ट. उत्तर नहीं आया तो स्वर्ग चुप रहा तो भी निरंतर प्रार्थना करनी है, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाते हैं. द चर्च शुड डू वेल टू कंटिन्यू इन प्रेयर. कलीसिया प्रार्थना करते रहेंगे, जल्दी उत्तर नहीं आए तो भी, जल्दी छुटकारा नहीं भेजा गया तो भी. दो देर वॉज नो इमीडिएट डिलीवरेंस, देर वॉज नो प्रॉम्प्ट आंसर, येट विल कंटिन्यू इन प्रेयर. दैट इज
another counsel from the Lord for the church of God these days. वहां से आगे बढ़ते उसके 14 वचन पढ़ता, मैं तुझसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। एवरीवन हु एक्सॉल्ट्स हिमसेल्फ विल बी हम्बल्ड, बट द वन हु हम्बल्स हिमसेल्फ विल बी एक्सॉल्टेड। हालेलुया, प्रभु कहते दीनता से नम्रता में चलो, वॉक इन ह्यूमिलिटी, कम टू हिज प्रेजेंस विद अ कॉन्ट्राइट हार्ट। वी नो द इवेंट, वहां की उपमा हम जानते हैं, एक चुंगी जैसे प्रार्थना किया उसके विषय में, हाउ द टैक्स कलेक्टर वुड प्रे, नॉट इवन बोल्ड इनफ टू लुक अप, ऊपर नजर उड़ाने के लिए भी हिम्मत नहीं है, मैं पापी हूं, दया कर प्रभु। हम आते उसके कृपासन पे, हमेशा ऐसे आते नम्रता में आते, जो अपने आप को बड़ा बनाता वो छोटा किया जाएगा। He who tries to exalt himself will be humbled, will be humiliated. But he who humbles himself will be exalted by the Lord. जो अपने आप को नम्र करता है वो उसका आदर किया जाएगा स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर उसका आदर करेगा। उसके बाद हम जाते हैं, हम 21वें अध्याय में नजर डालता, वी मूव ऑन फ्रॉम देयर टू 21st चैप्टर, नहीं 24 में चला जाना, ट्वेंटी फोर्थ चैप्टर पांचवा वचन, जब वे डर गई और डरती हुई और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? When they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, why do you seek the living among the dead? प्रभु कहते हैं ये मत करो, do not seek the living among the dead, जैसे हम करते हैं, amen. We cannot find the living God among the dead, amen. If you search for him in the world, among the worldly, practicing what they practice, adopting their ways and moving according to their counsel, हम कभी भी हमें जीवित परमेश्वर का संग मिलकर नहीं चल पाओगे। We will never be able to walk with this living Savior, living God, if we search for him among the dead, adopting the ways of the world, imitating the men of the world, or receiving counsel from them. बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है, परमेश्वर का जन, द सो कॉल्ड पीपल ऑफ गॉड सी काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड, दे अलाउ सच पीपल टू इंटरफियर इन देयर अफेयर्स। ऐसे मूर्खता की बात मैंने देखा है, परमेश्वर के संतान ये दुनिया वाले से सलाह मांगते हैं और उसके समस्याओं के हाल ढूंढते हुए उनके पास जाते, उनको खींच लेते उसके जीवन में। बेवकूफू मैं, आई एम द वर्स्ट फूल ऑन अर्थ टू डू सो, माई काउंसिल विल नेवर रिमेन हिडन, दिस वर्ड ऑफ गॉड इज माई ट्रेशर, इज द सोर्स ऑफ माई काउंसिल एंड माई इंस्ट्रक्शन, ये पवित्र वचन है मेरे सलाहकार। हालेलुया, वो वचन का धार पर सलाह मैं पाऊंगा, कलीसिया से पाऊंगा, आई विल रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड काउंसिल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड इन द चर्च ऑफ क्राइस्ट। हमें आगे बढ़ता, हम मरे हुए लोगों के बीच में जीवित परमेश्वर को नहीं ढूंढता। उसका 25वां वचन पढ़ता, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद चित्तियों, मंद मतियों से कहता, He said to them, oh foolish ones, slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Amen. परमेश्वर की दृष्टि में मंद बुद्धि वो है, The foolish is the one who does not understand or rejects the word of God, the counsel of the prophets. यहां लिखा है निर्बुद्धियों, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में तुम मंदमतियां हैं। योर स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव ऑल दैट द प्रॉफिट्स हैव स्पोकन, समथिंग यू विल रिसीव, समथिंग आई विल रिसीव ग्लैडली। कुछ कुछ चीज मुझे बहुत पसंद है कि परमेश्वर हमसे अनंत काल तक प्यार किया है, गॉड हैज लव्ड मी विद एन एवरलास्टिंग लव, दैट ग्लैडनेस माय हार्ट, आई विल कीप ऑन रीडिंग इट, इट्स सो ब्यूटीफुल।
But when the word asks me to love him with all my heart, with all my mind, with all my strength, I don't seem to like it. लेकिन जब वचन कहता परमेश्वर यहोवा से प्यार करो पूरे मन से पूरे साकत से पूरे हृदय से तब मुझे अच्छा नहीं लगता because there it calls for sacrifice. वहां तो कुर्बानी की आवश्यकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता. या कहते तुम लोग मूर्ख लोग हैं, पवित्र शास्त्र को पूरा पूरा क्यों नहीं मानते हो. Why don't you accept the whole counsel of the word of God? Why are you satisfied with only fragments? इधर से उधर से एक एक टुकड़ा लेकर उसके ऊपर जीते हो. ये वचन मेरे पास आता, I need to be concerned about the whole counsel of the scriptures. पवित्र शास्त्र एक विषय के बारे में पूरा पूरा क्या सिखाता है उसको पूरा सीखना अवश्य है और उसको मानना अवश्य है. वहां से आगे बढ़ता हूं, वहां से आगे बढ़कर हम यूहन्ना का सुसमाचार में चले जाता है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन एंड 10th चैप्टर. परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएंगे परंतु उससे भागेंगे क्योंकि वे पराए का शब्द नहीं पहचानता. ए स्ट्रेंजर दे विल नॉट फॉलो, माई शीप विल नॉट फॉलो ए स्ट्रेंजर, दे विल फ्ली फ्रॉम हिम फॉर दे डू नॉट नो द वॉइस ऑफ स्ट्रेंजर्स. हाउ ब्यूटिफुल. उसके तुरंत बाद वो वचन जो पहले वचन हमने पढ़ा, जो पवित्र शास्त्र की कहना नहीं मानता, भविष्य दत्ताओं का नहीं सुनता. People who refuse to listen to the word of the counsel of the word of God and the word of the prophets. He says, Mere agar bel hote, if they are my sheep, they will listen to only me and they will not listen to the strangers. Hame dusre ke baat nahi sunte. Oh, foolish am I to listen to the counsel of the world. Isliye hum pehle hi padha, pehle bhajan mein padha, in the first psalm itself we read, we will not walk according to the counsel of the world. Hum aage badhte wahan se, panchwa adhyay ko, panchwa vachan chhod kar hum 27 mein nazar dalta. Meri bade mera shabd sunti hai, aur main unhe janta hu, aur mere piche piche chalti hai. Hallelujah. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. They not only hear my voice and word, but they follow me. They run away from others. Hallelujah. बाकी लोगों को छोड़कर वो लोग भागते हैं, बाबिलोन को छोड़कर भागते हैं, मिस्र को छोड़कर आते हैं. Hallelujah. They flee from Egypt. They flee from Sodom and Gomorrah. They flee from Babylon. And they follow me. Hallelujah. जुनानिये में हमने जितना भी पढ़ा उसका आत्मिक अर्थ और आत्मिक प्रकाशन हमें यहां मिल रहा. Whatever we read in the Old Testament, if they remain shadows, then we get the revelation, the spiritual revelation for the New Testament saints from the pages of the New Testament. हम यहां से हम पढ़ते वहां क्या क्या बताया था. बाबिलोन को छोड़ो, ये छोड़ो, उसका मतलब क्या है, यहां स्पष्ट रीति से बताया गया है. हम आगे बढ़ता है वहां से भी, हम उसका 11वां अध्याय का 39 पढ़ता, बहुत मशहूर वचन है. यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ, टेक अवे द स्टोन, देयर आर स्टोन्स. हालेलुया. प्रिवेंटिंग गॉड्स ब्लेसिंग्स, प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम एंजॉयिंग गॉड्स प्रोविजंस. गुफा के मुंह पे मेरे ऐसे पत्थर रखा है. परमेश्वर ने सारा प्रबंध किया है लेकिन उसके प्रबंध की नदियां वहां बहकर नहीं आ सकता. मैंने पत्थर को लगाया है. There are hindrances, sir. There are restrictions I have imposed, hindering the flow of His blessings into my life, my home, my family, my church. हमारी ओर परमेश्वर की जो प्रबंध की नदियां हैं, योजना की नदियां हैं, वो ऐसे मजबूती से जो दक्षिण देश के नदियां बहते हैं वैसा बह कर आने के लिए रुकावट करने वाला, बाधा लगाने वाला चीज है उसको हटा दो. जो भी वो पत्थर है उसको हटा दो. इन माई लाइफ दी स्टोन्स आर ऑफ फियर, ऑफ एंग्जाइटी, ऑफ वरी, ऑफ लैक ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड. मेरे जीवन में ये रुकावट है, संदेह करता मैं, विश्वास में बलहीन हो जाता, ऐसी चिंताओं से मैं तड़पता, अपने आप को तड़पाता. ये सब चीज रुकावट है, पत्थर है. पत्थर हटाओ, प्रभु कहता.
the river of God's blessings will rush forth into my life. Hallelujah. And into my family. Amen. जब ये पत्थर हटाया जाएगा परमेश्वर का अनुग्रह की नदी ऐसे तेज गति से बहकर आएगा, जीवन की नदी बहकर आएगा. आमेन आमेन. आई एंड यू विल बी रिसरेक्टेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. यीशु के अद्भुत नाम में हमारा पुनरुत्थान होगी अगर पत्थर हटाया जाए तो. 14:1 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. Believe in God, believe also in me. Let not your hearts be troubled. ये एक आज्ञा है. This is his command. This is not a suggestion. ये सुझाव नहीं है. इसके सामने मैं बहुत झुकता और मैं थरथराता हूं. I bow down before this voice and I tremble at this voice. How do I allow my heart to be assailed by fears and anxiety? मैं क्यों ऐसे भयभीत हो जाता, ऐसे संदेह करता. प्रभु कहता मत मत व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो. Believe in God because of me. Believe also in me. Hallelujah. Because of Jesus, I trust in God. Because of Jesus, I believe in God. Hallelujah. आगे बढ़ता 15 अध्याय का चौथा पढ़ता 4:15. तुम मुझ में बने रहो, abide in me, and I in you. Hallelujah. बाकी सब हम जानते हैं. Abide in me, मुझ में बने रहो, तब तू फलवंत होगे, बहुत ऐसे फल लेकर आओगे. Then you will be fruitful, and you will bear much fruit for the glory of the Father. May we abide in him. There is no better place for a saint to abide in. दूसरा कोई जगह नहीं है हमारे लिए. हालेलुया. आराम से रहने के लिए എന്നിൽ വസിപ്പിൻ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. വരുവിൻ നമുക്ക് അവനിൽ വസിക്കാം. ഹാലലുയ്യ. അവൻ വസിക്കുമ്പോഴത്രേ നാം വിശ്രമിക്കുന്നത്, അവനിൽ വസിക്കുമ്പോഴത്രേ നാം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്, അവനിൽ വസിക്കുമ്പോഴത്രേ നാം ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കുന്നത്. ആമേൻ. സത്രാധ്യായ തീസരാ വചൻ പഠിത്ത. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Amen. Anand jeevan yah hai, ki ve tujh ekmatr sachche parameshwar ko, aur Yeshu Masih ko tune beja hai, jane. To know the Father, through Jesus Christ, our blessed Lord. Agar Yeshu ko janenge to, Pita Parameshwar ko janenge. Blessed are the people who know their God. Amen. That is eternal life. Everything is useless and futile. Baki sab vyarth hai, bekar hai. If I do not know my God, if I do not know my Savior, everything else is a show business. Baki main jo bhi karta hai, wo sab prakatan hai. Aiye Parameshwar ko janne ke liye, Parameshwar ki jankari mein badhne ke liye. यीशु के द्वारा हालेलुया उसको पूरा पूरा पहचानने के लिए हम यत्न करें. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें. वहां से आगे बढ़ता, वहां से हमें उसका 21 में जाना है, 15 पढ़ना है. ये सवाल मेरे लिए है, मेरे ओर आता. भोजन करने के बाद यीशु ने शिमन पत्रस से कहा, हे शमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Simon, naam se usko pukara. Patras karke nahi pukara, Simon. Usko yaad dilaya. Wo kon tha? Jaisa Amos kehta, main samarishit tha, main kisan tha. Prabhu ne mujhe wahan se bulaya. Ab Patras ko kehta, tu Simon hai. तो यूहन्ना का पुत्र है. आई नो योर बिगिनिंग्स, आई नो फ्रॉम वेयर आई कॉल्ड यू. गॉड इज रिमाइंडिंग ईच वन ऑफ अस, कॉलिंग आवर फर्स्ट नेम, दैट आई नो यू एंड आई हैव कॉल्ड यू. डू यू लव मी मोर देन दीस? आई लव्ड यू एस मच. डू यू लव मी मोर देन दीस? यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स, सेज़ द लॉर्ड. यीशु कहता जो स्वामियों की सेवा तुम नहीं कर सकता. डू यू लव मी मोर देन दिस?
बाकी हर चीज आप जानते हैं। वहां से अनेक बात हमने भाषण सुने हैं, इसके लिए मैं वहां से बढ़ के जाता। हम रोमियों की पत्री को भी नजर डालता। वी मूव फ्रॉम देयर टू द लेटर टू द रोमन्स एंड फ्रॉम देयर हम पत्रिकाओं में नजर डालते। पत्रिकाओं से हम बहुत जल्दी पढ़ के आगे बढ़ना है, नहीं तो हम पूरा पढ़ नहीं पाओगे। आठवां अध्याय का 25वां वचन पढ़ते हैं। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी रहे। बट वी होप फॉर वॉट वी डू नॉट सी, वी वेट फॉर इट विथ पेशेंस। कहते आशा दरकरम रखेंगे, आशा नहीं छोड़ेंगे। अब तक नहीं बना, हम बन जाएंगे। हालेलुया। वी हैव नॉट येट बिकम वॉट वी ऑट टू बी, बट वी डू नॉट गिव अप होप। Dearly beloved, we look forward to perfection. Punara prapt karne ke liye. Amen. Pura pura udhar prapt karne ke liye. Am aasha darkar jaagte rehte, baat jote rehta. Amen. With the living hope blazing within us, so as to be perfected. Hallelujah. We look forward. Amen. With patience. Am dheeraj darkar indazar karte, wahan se likha hai. Amen. कुछ प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, कुछ काम नहीं हुआ, अभी तक छुटकारा नहीं आया। वी विल नॉट गिव अप हार्ट, वी विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। हम अपने आप को नाराज करने नहीं देंगे कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, बेदारी नहीं आया। लेकिन प्रभु कहते आशा दरकर, हालेलुया, बाट जोते रहो, धीरज दरकर रहो। 12वां अध्याय हम कितनी बार पढ़ा है। दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो, डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। इसके सदृश में नहीं बनना, उसके रीतियों को नहीं अपना, उसके सलाह को नहीं स्वीकारना है। आमेन। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। हालेलुया। तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। व्हेन आई चूज टू चेंज माय माइंड, बी ट्रांसफॉर्म्ड इन माय माइंड, देन माय वॉक विल बी राइट। हालेलुया। Be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Hallelujah. तब मैं जानूंगा परमेश्वर का संपूर्ण हित क्या है। Amen. परमेश्वर को खुश करने वाला, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्धि इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। My walk will be steadied. Amen. My steps will be steadied. My walk will be perfect. प्रभु कहते हैं मन को बदलने का काम मेरा है। गॉड डज इनफोर्स इट अपॉन मी। प्रभु मेरे ऊपर ऐसे निर्बंध पूर्व मेरे चित्त को बदलता नहीं, मेरे आशाओं को, मेरी इरादाओं को, मेरे सपनाओं को नहीं बदलता। आई मस्ट बी विलिंग टू सबड्यू, आई मस्ट बी विलिंग टू सरेंडर माई सेल्फ टू हिम। मैं तैयार होना चाहिए उसका दीन बने रहने के लिए, उसके सर्वोत्तम इच्छा। आमेन। द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, जो उसको प्रसन्न करने वाली बात है, जो परफेक्ट है, उसको जानने के लिए मैं तैयार हो जाओ, मैं अपने आप को अर्पण करूं। उसका 12वां वचन में भी हम इसे पढ़ते हैं, उसका 12 में इसे पढ़ते हैं। रिजॉइस इन होप, बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, बी कॉन्स्टेंट इन प्रेयर। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। हुआ नहीं है अभी तक, आशा है इसलिए आनंदित रहो। हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, उसके ऊपर मैं भाषण क्यों दूं। Hallelujah. Be patient in tribulation. There are tribulations. There are trouble times. ऐसे परेशान करने वाले समय है, ऐसे पीड़ा का समय है, वहां हम धीर धर कर रखेंगे। Amen. और हम प्रार्थना में नित्य लगे रखेंगे। We will not give up praying. We will not give up hoping. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ते हैं। पहली कुरिंदी में आता, पहली कुरिंदियों की पत्रिका है कि उसका पहले अध्याय का 31 पढ़ते हैं। जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। सो दैट एज इट इज रिटन, लेट द वन हु बोस्ट बोस्ट इन द लॉर्ड। ओ मे आई बोस्ट इन हिम, मे आई बोस्ट इन हिम, मे आई बोस्ट इन हिम। आमेन। हमें घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करे हम, बाकी कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। ना मेरा स्वभाव, ना मेरा समर्पण, ना मेरा विश्वास, ना मेरा प्यार। Not my love for the Lord, not my dedication, not my holiness, not my righteous deeds, not my intelligence, not my accomplishments, कुछ भी नहीं है।
I worship the Lord that I've been chosen. I've been adopted into the family of God. Hallelujah. എന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ നീച്ച പാപിയെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു, അവന്റെ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമാക്കി തീർത്തു. അതിലത്ര ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ്യ. ഔർ കുച്ച് ഭീ ബാത് നഹീ ഹൈ പ്രശംസാ കർനെ കേ ലിയേ. മേരി പ്രശംസാ ക്രൂസ് പർ ഹൈ, യേശു മേ ഹൈ. ഹം ആഗേ ബഡ്താ. ചൌഥാ കാ 16വാ വചന. Fourth chapter, 16th verse. इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो. I urge you then, be imitators of me. Hallelujah, Paulus कहता, मेरा अनुकरण करो. इतने महान परमेश्वर का दास है वो. What a mighty man of God he is. He so walked that I could imitate him. May the Lord grant unto me to be an example for others. दूसरे लोगों के लिए आदर्श बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे. I'm broken before these words. Will a day come in my life when I'll be able to stand up and say, imitate me? ऐसा मेरे जीवन में दिन आएगा क्या कि मैं भी कर सकूं कि मेरे अनुकरण करो? ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें आह्वान दिया है. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमें जाना है कि उसका नौवां अध्याय में से पढ़ना है. चैप्टर 9, 24 ऑनवर्ड्स. नौवां अध्याय का 24 से पढ़ते हैं. क्या तुम नहीं जानते हैं कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाते हैं. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. रन in order to receive the prize, that you may obtain the prize. बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, लेकिन अंत तक स्थिरता से भागोगे तो मुकुट पाओगे. There are many who have started the race, but many might fall out, many might give up in frustration. But if you run to the very end, amen, we will win the prize. Amen. We will run patiently. We will have perseverance to make it to the very end. That is the counsel of the word of God. Parameshwar ka vachan hame ye salah deta hai aaj. Wahan se hum aage badhkar uska 15th adhyay ka bahut sundar vachan hai. 15th adhyay ka tawan padhte hain. 15th chapter 58th verse. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो. Therefore, my beloved brothers, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Hallelujah. प्रभु कहते हैं तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है. ये जानते रहो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है. Amen. Serving, keep on serving Him. Do not give up. Hallelujah. प्रभु कहते छोड़ो मत. वचन कहते छोड़ो मत. दृढ़ रहो, अटल रहो. Be steadfast and immovable. Always be abounding in the work of God. The more opposition you face, the more you are insulted. Hallelujah. The more vigorous and zealous thou shalt be in serving the Lord. Hallelujah. Jitna zyada ninda hoti hai, jaisa zyada duniya virodh karti hai, utna zyada samarth se, utna zyada ulsaah se, utna zyada dhun se tu seva karoge, atal rahoge. Hallelujah. We did not get frustrated. We did not turn back. Hum piche nahi hatenge. Hallelujah. Narash nahi honge. Hamara parishram vyarth nahi hoga. Hallelujah. Not an act of service to God will go in vain. एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा अगर परमेश्वर के लिए है तो. हम आगे बढ़ता उसका 16वां अध्याय में आकर 13वां वचन पढ़ता. 16 chapter 13th verse. जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो. Be watchful, stand firm. Hallelujah. Stand firm in the faith. Act like men, be strong. Hallelujah. यही प्रभु कहता है. Everything that you do in love. परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर हम करते हैं. Hallelujah. लोग हमारा मानता हमको मानता उसके लिए नहीं है. लोग हमें प्रतिफल देने वाले उसके लिए नहीं है. Not that the world will recognize us. Not that the world will reward us. But because we are
constrained by the love of God. Hallelujah. We will be watchful. We will stand firm in the faith and act like men. Be strong. Hallelujah. Hum himmat dharan karke hi aubhand karam aage badhenge. Prabhu ki seva karte rahenge. Piche nahi hatenge. Hallelujah. Parmeshwar ka prema mein nirbandhit karta. And dusri Korinthiyon mein aata dasva adhyay ka chautha pad tha. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. हालेलुया. फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट ऑफ द फ्लैश बट हैव डिवाइन पावर टू डिस्ट्रॉय स्ट्रॉन्ग होल्ड. यही हम जुना नियम में पढ़ा था. प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है. हम ये दुनिया के हथियार के इस्तेमाल नहीं करता. वी डू नॉट यूज द आर्टिलरी ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया के हथियार की जरूरत नहीं है. हमें सामर्थ्य अधिकार दिया है. हालेलुया. द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अवर स्वॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर का सत्य वचन हमारे लिए तलवार है. प्रभु ने हमें कैसा बनाया हमने देखा. पहाड़ों को ढा देने के लिए. हालेलुया. पहाड़ियों को गिराने के लिए, मैदान में बदलने के लिए प्रभु ने हमको ऐसे यंत्र बनाया. God has made us such a threshing sledge. Hallelujah. Such a sledgehammer. Hallelujah. That we may erase the mountains to the ground. Hallelujah. Those are the weapons we have. Hallelujah. We'll fight against the enemy. Hallelujah. हम दुश्मन के विरोध लड़ते रहेंगे. वचन लेकर लड़ेंगे. प्रार्थना में लड़ेंगे. Hallelujah. स्तुति आराधना में. Hallelujah. हम दुश्मन को गिरा देंगे. यीशु के नाम में. आमीन आमीन. Amen. In our worship, in our praising, in our prayer. Hallelujah. We'll humiliate the enemy. Hallelujah. And fell the Goliath. हर तरह की गोलियत गिराया जाएगा. यीशु के नाम में. आमीन आमीन. हम गलतियों के पुस्तक में आए पांच अध्याय का साथ पढ़ता. तुम तो बलि बांधी दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो. यू आर रनिंग वेल. हु हिंडर्ड यू फ्रॉम ओबेइंग द ट्रूथ. वी स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल. हम बहुत सुंदर रीति से शुरुआत किया. समर्पण सही था, इरादा सही था, उद्देश्य सही था. वी हैड द राइट इंटेंशंस व्हेन वी स्टार्टेड. When he had the right priorities when we started. We had the vision of the goal when we started. लक्ष्य स्थान का दर्शन हमने प्राप्त किया था. सही रीति से समर्पित किया था. हमें सही रीति से उसके राहों में चलने के लिए अपने आप को सौंप दिया था उनके हाथों में. लेकिन अब क्या हुआ? What hindered you from obeying the truth? पूरे सत्य को मानने से तुम्हें किसने रुकाया है? When my spirit comes at Jesus, he will lead you into every truth. यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो सारे सत्य की ओर तुम्हें चलाएगा. कुछ कुछ सच्चाई को क्यों भूलते हो? सच्चाई को भूलकर आंख बंद कर अंधकार बनाने का, रात बनाने का प्रयास मैं नहीं करूंगा. I will not give up some of the truths and close my eyes and imagine it is night. मैं नहीं करूंगा. पूरा सच्चाई, पूरा सच्चाई की ओर हम बढ़ते रहेंगे. जिस उत्साह से हमने शुरू किया उसे अति गुलसार से हम फिनिश करेंगे. हालेलुया. जैसे हमने शुरू किया उससे अति गुलसार से, विद मोर विगर, विद मोर पैशन, वी विल एंड द रेस. हालेलुया. ऑन अ विक्ट्री नोट. आमेन. फास्टर एंड मोर इंस्पायर्ड देन व्हेन वी बिगन. हालेलुया. हम आगे बढ़ता हूं. फिलिपियों में चले जाता. फिलिपियों की पत्रिका का दूसरे अध्याय का 12 से पढ़ता. इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा के आज्ञा मानते रहे हो, मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मैं दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. दिस वॉज द वर्ड्स फॉर द डे. माई बिलवड, एज यू ऑलवेज ओबेड, सो नाउ नॉट ओनली एज इन माई प्रेजेंस बट मच मोर इन माई एब्सेंस Work out your own salvation. Work out your own salvation with fear and trembling. ऐसे करता है कि डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. I have a part in this salvation. Don't get me wrong. गलत समझेगा तो पूरा बात बिगड़ जाएगा. ये उद्धार के काम में मेरा भी एक भाग है. इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड. उद्धार परमेश्वर की ओर से दान है. लेकिन उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? हमने एफिसियों में पढ़ा, भले काम के लिए नियुक्त किए हुए लोग हैं. ए मैन
who is born again must do things, must work out in order to ensure that he appropriates all of God's provisions. परमेश्वर के सारे प्रबंध का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें इसे जीना चाहिए, चलना चाहिए. वी हैव टू वर्क आउट, वी हैव टू वर्क आउट आवर सल्वेशन. उसका मतलब है डू द वर्क्स अनटू रिपेंटेंस. जो पश्चाताप के साथ साथ वैसा काम भी करो. आमेन. देन विल बी एविडेंस फॉर माय ट्रू रिपेंटेंस. देखा जकाई के जीवन में हमने देखा, जस्ट एज वी हैव सीन इन द लाइफ ऑफ जैकियस, लेट देयर बी फ्रूट अनटू रिपेंटेंस, लेट देयर बी एविडेंस दैट यू एंड आई आर बोर्न अगेन. हालेलुया. इसके लिए कहते हैं थरथराते हुए, बड़े खुशी से नाचते हुए वो वेदी के पास आता, वो सही है. पीपल कम डांसिंग टू द ऑल्टर रिसीविंग जीसस, फाइन. बट द लॉर्ड एक्सपेक्ट्स अस टू वॉक लाइक गॉड्स चिल्ड्रन, परमेश्वर के संतान के समान बने रहो और काम करते हो. इसे लिखते तरतराते हुए और भाई के साथ डरते हुए उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. वर्क आउट योर सल्वेशन विद फियर एंड ट्रम्पलिंग. आमेन. अगर एक समझ में नहीं आता तो उत्पत्ति पुस्तक से अब तक प्रभु ने जो सुनाया वही है वो. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स, इफ यू रिकलेक्ट व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पेजेस ऑफ जेनेसिस टिल नाउ, दैट इज एक्सैक्टली व्हाट इट इज. आमेन. गॉड एक्सपेक्ट्स हिज चिल्ड्रन टू वॉक एंड एक्ट. आमेन. अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. वो हमारे ऊपर ऐसे उम्मीद रखा है. हालेलुया. हम वहां से आगे बढ़ता, समय कम है इसके लिए, बाकी सब आप पढ़ सकते. और उसका तीसरा अध्याय का 14 भी पढ़ के हम वहां से घुसते बाहर आते. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं क्यों, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. I press forward to the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yeshu Christ me permission ne itne unchai ka bulahat, such a high calling in Christ Jesus we have received, to receive the prize, not to forfeit it on the way, not to perish on the way. Marg mein nasht hone ke liye nahi hai, inaam chhodne ke liye nahi hai prabhu ne bulaya. Parmeshwar ka hriday ka agrah yah hai, parmeshwar ka hriday ka ummeed yah hai. యేసు క్రీస్తు మే ఉస్నే హమే బులాయా. యేసు క్రీస్తు విల్ ఇత్ర ఉన్నద విలిగొండ అవన్ ఎన్నే విలిచ్చద మార్గమధ్య విట్టేచి పోగానల్ల ప్రతిఫలం నష్టపడితానల్ల విన్నయో మహత్వతోడ ప్రతిఫలం ప్రాపిపాన్. ఆమేన్. ప్రతిఫలం లభిక్కు వన్న ఓడువాన్. దైవత్తిండి ఆత్మావు పౌలోసనే సహాయించదు పోలే నమ్మే సహాయికట. జస్ట్ యాస్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లార్డ్ హెల్ప్డ్ పాల్ టు ఎండ్ హిస్ రేస్ ఆన్ ఎ ట్రయంఫెంట్ నోట్, మే ది స్పిరిట్ హెల్ప్ us, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us. ఆమేన్. ఆర్ ఆమేన్. దూసరి తిమోతి మే చలే జాత కా, దూసరి తిమోతి 14 అధ్యాయ కా 7-8 పడతా. మే అచ్చి కుస్తీ లడ్ చుకా, మేనే అప్నీ దౌడ్ పూరీ కర్ లీ హై, मैंने विश्वास की रखवाली की है. आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द रेस, आई हैव केप्ट द फेथ, हेंसफोर्थ देयर इज लेड अप फॉर मी द क्राउन ऑफ राइटियसनेस. भविष्य में मेरे लिए हालेलुया धर्म का मुकुट रखा गया है. हालेलुया. दैट इज द टेस्टिमनी ऑफ पॉल. पौलुस की यह है उसके जीवन की कहानी. आमेन. उसके गवाही यह है. और कहते मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने मेरा दौड़ को पूरा किया, मुकुट पाने के लिए मैं जा रहा हूं. Let that be the way we end our race. हमारी दौड़ पूरा करने का यही रीति बने रहे, या परमेश्वर का चाहत है वहां से आगे बढ़ता. हम इब्रानी के 12 अध्याय में चला जाता, बहुत मशहूर भाग, बहुत बार हमने पढ़ा और एक बार हम पढ़ते इस कारण की, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है. सिंस वी आर सराउंडेड बाई सो ग्रेट अ क्लाउड ऑफ विटनेसेस, लेट अस ऑल्सो ले असाइड एवरी वेट एंड सिन विच क्लिंग्स टू अस क्लोजली. इतने गवाह लोग हमारे सामने, अभी तो अभी अभी हमने पौलुस के मुंह से सुना था, वो भी ये गवाहों के बादल से चिल्ला रहा है. इसके लिए हम आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर पत्र
हटाए, हर पत्थर हटाए, हर पत्थर हटाए, रिमूव एवरी स्टोन, रिमूव एवरी स्टोन, रिमूव एवरी स्टोन, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। हमसे चिपकने वाले कुछ पाप है, मेरे जीवन में है, आपके जीवन में है क्या, मैं नहीं जानता। दे रिफ्यूज टू लीव मी, सच थॉट्स रिफ्यूज टू लीव मी, सच इंटेंशन रिफ्यूज टू लीव मी, ऐसे विचार मुझको छोड़ता नहीं है, ऐसे आग्रह आता है बार बार, लेकिन मैं उसको परिचय पाऊंगा प्रभु के नाम में, यीशु की आत्मा के कारण। हालेलुया, मैं उसको छोड़ देगा। इवन सच sins, those cling so closely to me, oh, we will run with endurance and we will complete the race that he set before us. हमारे सामने जो रखा है वो दौड़ को हम पूरा करेंगे, यीशु के नाम में जय के साथ करेंगे। हालेलुया, बोझ को हम फेंक देंगे। हालेलुया, ऐसे गलत आग्रह को, विचारों को, सब चीज को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, everything against the revealed will of God and the word of God, we hate and we reject. Hallelujah, and we cast away and we run and complete the course by the grace and power of God. Hallelujah. वर्क आउट योर सॉल्वेशन, उद्धार का कार्य करते जाओ। हालेलुया, सारे प्रबंध कर चुकी है, द डिवाइन प्रोविडेंस इज अवेलेबल। हालेलुया, ऑल द प्रोविजंस आर इन प्लेस, सारे प्रबंध किया गया, इसके लिए कहते उद्धार का कार्य करते जाओ। आइए हम समाप्त करते प्रकाशित वाक्य से एक दो वचन पढ़ते हैं, 12 अध्याय का 11 पढ़ते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन 12 चैप्टर वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? दुश्मन के ऊपर। दे हैव कॉन्क्वर्ड हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। वी शाल ओवरकम, वी शाल कॉन्क्वर, हम जयवंत होंगे, हम कामयाब होंगे दुश्मन के ऊपर, हर तरह के अंधकार की शक्तियों के ऊपर। द चर्च ऑफ गॉड विल एमर्ज विक्टोरियस बाय द ब्लड ऑफ द लैम ऑफ गॉड एंड बाय द वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी। हालेलुया, हमारी गवाही के वचन से। हालेलुया, और यीशु के लहू के कारण हम पूरा पूरा जय पाएंगे दुश्मन के ऊपर, यीशु के नाम में आमेन आमेन। 19 अध्याय का 7 वचन, हालेलुया, द चर्च शैल बी विक्टोरियस, चर्च शैल बी विक्टोरियस, इवन यू एंड आई। हालेलुया, आमेन। हम आगे बढ़ता 19 अध्याय का 7 वचन पढ़ता, लेट अस रिजॉइस एंड एक्सल्ट, हम आनंदी हो जाए, मगन हो जाए, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंचा है। ओह, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम हैज कम, हिज ब्राइड हैज मेड हरसेल्फ रेडी। हालेलुया, उसने उद्धार का कार्य किया, पूरा किया। द चर्च हैज वर्कड आउट हर सॉल्वेशन। हालेलुया, The church has worked out her salvation. पूरा उद्धार का कार्य किया कलीसिया ने, परमेश्वर के साथ कार्य किया, as partners of God of Jesus, यीशु के सहभागी बनकर, भागीदार बनकर कार्य किया कलीसिया, यीशु के संग चला, यीशु के कार्य किया, यीशु के उद्देश्य को पूरा किया। ओ, कितनी मनोहर और सुंदर दिखती है वो। Look at the church of God who walked in the ways of Jesus, who walked with Jesus, who did as dictated by Jesus, and look at her, how beautiful, how glorious, how magnificent is the church. Hallelujah, I am apne aap ko saumb de prabhu ke haathon mein. Hallelujah, uske marg mein chalne ke liye hai, uddhar ka kaarya karne ke liye hai. Hallelujah, to work out our salvation, to walk in his ways and do his blessed will. May we surrender ourselves anew and afresh. Pyare pita, main aata hu, apne aap ko jhuka ke aata hu, namrata mein aata hu, परिवार को लेकर आता, कलीसिया के साथ आता, प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता, तेरे मार्ग में चलने के लिए, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, उद्धार का कार्य करते रहने के लिए मैं आता। आई कम लॉर्ड, हम्बलिंग माई सेल्फ आई कम, अलोंग विद माई फैमिली आई कम, विद एंटायर कॉन्ग्रीगेशन आई कम, एंड आई सरेंडर माई सेल्फ, रीडेडिकेट माई सेल्फ टू वॉक इन दाई वेज, डू दाई ब्लेसेड विल एंड टू वर्क आउट आवर सॉल्वेशन। सहायता कर, हमारे विषय में भी यह कह दिया जाएगा, इन्होंने जीता है, they have conquered by the blood of the lamb of God and by the word of their testimony. Hallelujah, हमारे विषय में भी यह कह दिया जाए, उन्होंने भी जीत पाया है यीशु के लहू के कारण और उसके गवाही के वचन के कारण, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। Hallelujah, the bride had prepared herself. Hallelujah, Hallelujah, महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो, यीशु को मीठे नाम से मानता, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति,
उसका पुत्र हमारा मुक्ति दादा यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसे अनुग्रह चंगाई के सामर्थ्य दृढ़ विश्वास सनातन आशा अलौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के लिए विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आए हैं और करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की उन सबों के साथ हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ और देश भर के और दुनिया भर के सारे लोगों के साथ जो दुस्संकट और परेशानियों से गुजर रहे विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ और उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के मेरा आगमन तक भी निरंतर बने रहे आमेन और आमेन। करुणामय और प्रेमी परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे हर जरूरत को पूरा करे स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे चंगा करे सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे यीशु के नाम में आमेन आमेन। May the gracious and compassionate God be with you all, give you peace, keep you in perfect health, and meet all your needs according to His riches in glory. In Jesus' name, Amen. May aap sabon ko ek ati sundar, aashishit, dhanya, Prabhu Divas ki shubhkamnaen deta hoon. I wish you all a very happy, blessed, and glorious Lord's Day. Amen. God bless.